हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है मंदीप। आप देख रहे हैं माय बैकपैक एडवेंचर्स यानी कि MBA। और अभी मैं जाने वाला हूँ कैंपिंग के लिए, और कैंपिंग करने जा रहा हूँ मैं चांडुबी पे। तो ये कल एक सडन प्लानिंग हुआ था, मेरे दोस्त फहाद जिसके साथ मैंने पहला कैंप किया था उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, एंड ये सडन प्लानिंग कल रात 12 बजे को हुआ है। तो मेरा बैकपैक हो चुका है, यहाँ पे मैंने कैंपिंग गियर्स डाले हैं, इसमें मैंने स्पेयर क्लोथ्स एंड कुछ और जैसे ट्राईपॉड वगैरह और चार्जर्स वो सब डाले हैं। यहाँ में मेरा स्टूल है या फिर कैंपिंग चेयर बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैट्रेस है, ये स्लीपिंग बैग हो गया, और इसमें स्टोव वगैरह भी मैंने डाल दिए, और रेडीमेड खाना भी मैं लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ में कुकिंग भी होगा, तो बने रहेगा देखने के लिए हम लोग क्या खाते हैं वहाँ में कैंप साइट पे, क्या कुकिंग करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने स्कूटी पे ये सब सामान को लोड अप करने के लिए, तो मैं अभी बंजी कॉर्ड लेके जाऊँगा, उस पर लोड अप करूँगा और मिलते हैं आपको वहीं पर डायरेक्टली। अभी हम आ चुके हैं नीचे, एंड हम लोग का पैकिंग हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बंजीगढ़ से अपना लगेज बांध लिया, और बाकी दोस्त भी आ चुके हैं, फहाद है हमारे साथ, फिर हमारे साथ इंट्रोड्यूस करते हैं अपना अपना नाम बता दीजिए। दिस इज नॉब, नाम बता दीजिए मनोज। तो ये लोग भी अपने बाइक लेके आए, और हम लोग भी साथ जाएंगे चांडोबी में, तो वहीं पर मिलते हैं, और बीच में अगर कभी ब्रेक लेते हैं तो बीच में आपको फुटेज देखने मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम रुके हैं हवा भरने के लिए, चाचा हवा भर के दे रहे हैं, अभी टायर में तो हवा कम था, और मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी अभी यहाँ पे रुके हैं, और फहाद वो लोग फिर आगे वेट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग शायद एक और स्टॉपेज लेंगे, एक या फिर दो हॉल्ट ले सकते हैं वाटर ब्रेक के लिए, तो अगर हॉल्ट लेंगे तो आप उसका फुटेज आपको मिलते रहेगा। एंड अभी सीन कुछ ऐसा है, धूप निकली हुई है, अभी बज रहे हैं 4:01, तो हम लोग को पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट अराउंड 5:30 बज जाएगा, 5:30 से 6 बज सकता है, तो मिलेंगे वहीं। तो अभी हम पहुंच गए डिकैथलॉन आजरा, तो ये कैसा है हमारे पास, और अभी हो रहा है एक अच्छा सा प्यारा सा सनसेट, लेकिन हम रुक नहीं सकते इसको दिखाने के लिए, जस्ट हम लोग का थर्ड पार्टनर अभी पहुंचा नहीं है, उसके लिए हम लोग रुके हुए हैं, एंड वो आते ही हम लोग फिर से चल पड़ेंगे, क्योंकि अंधेरा होने से पहले एनिया हम लोग को टेंट पिच करना है, और आजकल शाम ढल जाती है ऑलमोस्ट अराउंड 5:15, 5:20 को, तो अभी हो गया है 4:37। आप देख सकते हैं टाइम 4:37 बज चुका है, एंड यहाँ से अभी हम लोग को ऑलमोस्ट और अराउंड 45 मिनट्स लगेगा, क्योंकि रास्ता का कंडीशन अच्छा नहीं है बिल्कुल, तो उसी हिसाब से उनको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। यस, एंड आगे में भी कुछ इंटरेस्टिंग जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर लाइट कंडीशन सही रहे, अगर तब तक उजाला रहा, तो मैं आपको ज़रूर वो सब पार्ट्स भी दिखाऊँगा, एंड आप लोग को उसका भी अच्छा अच्छा बी रोल या फिर सिनेमेटिक शॉट्स आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी हम पहुंच गए हैं, जगह का नाम क्या है, जगह तो नाम की चाचा, ये तो जगह तो नाम की बगान, बगान। अभी पहुंच गए बगान बाजार पहुंच गए, और हम लोग हैं हिया रेस्टोरेंट में, तो हम लोग ने चाय ऑर्डर किया है, यहाँ पे सब लोग हैं देख सकते हैं, और हम लोग वाहन वहाँ पे पार्क किया हुआ, तो थोड़ी देर में यहाँ से चाय पी के हम लोग निकलेंगे और कैंप साइट तक जाएंगे। पहुँचते पहुँचते काफ़ी देरी हो गई, हम लोग ने सोचा नहीं था इतना देरी होगा बोल के, बट जो होना था वो हुआ है, एंड कैंप सेट करने के बाद आप लोग से बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। আমাৰ সাকুয়া হল এটা দাতে আৰু এটা আজে দা আহি পাইছে, আমি মই চান্দবি হয়, আসলে মই নিজা এটা কেম্প বনাইছো, আপোনালোকে দাদাকে আহি পাইছে, আৰু দাদা যেটো চেনেল হয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, আৰু যদি পিছলৈ এনেকুৱা লোকেশ্যন আহিব বিচাৰে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, নিশ্চয় মোৰ লোকেশ্যন বিন্দাস, নো প্ৰব্লেম, নেচাৰেল পৰিৱেশত এনজয় কৰিব পাৰিব, খাও পিও এনজয় কৰো, একদম একদম একদম। Thank you.
तो हम लोग बहुत पहले ही पहुंच चुके थे कैंप साइट पे, पर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सेटअप करने में हमको टाइम लगा एंड जगह को थोड़ा साफ करना पड़ा बिकॉज यहाँ में चीटियाँ बहुत थी। एंड तो हम लोग ने कैंप सेटअप कर लिया है एंड जैसे कि आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ में एक 3% टेंट लगा हुआ है एंड यहाँ पे एक और टेंट लगा हुआ है एंड हम लोग ने यहाँ पे आग जलाई है बिकॉज यही में हम लोग का कुकिंग होने वाला है। तो यहाँ में दो पार्टी कुकिंग होगा बिकॉज हम एक रेडीमेड खाना लाए यहाँ में और चिकन पकेगा, तो हम अपना स्टोव में कुकिंग करेंगे और यहाँ पे कुकिंग होगा अलग से। तो क्या बनेगा वो देखिएगा अभी, क्योंकि ऐसे जगहों पे आके खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। आप लोग को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि नेचर के बीच में एक अलग ही मज़ा आता है। तो अभी अच्छा खासा टाइम हो चुका है एंड हम लोग साइट पे बहुत टाइम से कैंप सेटअप करके अभी 11:08 बज चुका है। तो वो लोग उस तरफ अपना डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं, चिकन एंड राइस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वेजिटेरियंस जो लोग देख रहे हैं उन लोग के लिए सॉरी। तो हम यहाँ पे रेडीमेड केरला पराठा है हम लोग के पास, तो इसको बस गर्म करना पड़ता है। एंड इस तरफ है पनीर टिक्का मसाला MTR का। तो अगर आप कैंप में आ रहे हैं तो आप ऐसा कुछ खाना ला सकते हैं, आपके साथ ईजी होता है बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको चूल्हे में बनाना है तो वो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइमर्स के लिए आई विल रिकमेंड रेडीमेड फूड। तो अभी मैं निकालने वाला हूँ ये छोटा सा स्टोव जो मैंने ख़रीदा था अमेजोन से। इसका प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 800 या फिर कुछ है, तो मैं इसको लिंक में मेंशन कर दूंगा, देख लीजिएगा आप। एंड इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, तो आप इसके जस्ट जो हेड्स है उसको ओपन कर दीजिएगा। इस तरफ ये हेडिंग रहता है, ये उसका गैस कैन आता है एंड ये जो गैस कैन का ये इस तरफ एंटर हो जाता है, तो आप यहाँ में इसको लगा के आप कुकिंग कर सकते हैं। ये एक कैन ऑलमोस्ट अराउंड 1 आवर तक आपको फुल फ्लेम कुकिंग टाइम दे सकता है। सो अभी मैं एक टाइमलेस बनाता हूँ कुकिंग का, आपको फुल कुकिंग क्या दिखाया, बीच में B-rolls मिलेंगे आपको। सो एन्जॉय। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ में मछली को फ्राई किया जा रहा है, फ्राई नहीं, यहाँ में इसको स्मोक किया जा रहा है। तो ये भैया अभी जस्ट पकड़ के लाए हैं, ये जो छोटा सा यहाँ में जो झील है वही से पकड़ के लाए, छोटा नहीं, आपको सुबह में दिखाते हैं कितना छोटा है कितना बड़ा है। इसी का चटनी बनेगा अभी और ये जस्ट फ्रेश पकड़ा हुआ मछली से हम लोग अभी अपना डिनर में तो साइड डिश जैसा बनाएंगे। तो अभी हम हैं टेंट के अंदर और हम लोग का खाना डिनर हो चुका है। फहद डिनर कैसा था? अच्छा रहा है। तो रेडीमेड डिनर लेके जाने का एक फ़ायदा क्या होता है, उसमें आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, और कैंप के लिए बेसिकली आपको अपना एनर्जी सेव करना है ताकि आप एडवेंचर कर पाए। तो खाने पे अगर पूरा आप एग्जर्ट कर देंगे एनर्जी तो आपका एडवेंचर करने के लिए क्या बचेगा। सो उसी लिए बेसिकली ईजी मेकिंग फूड ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। तो अभी रात के बज चुके 3:30 और हम लोग ने इतना टाइम चिल किया बाहर में, बहुत सारे नाइट शॉट्स लिए, एक अच्छा सा लंबा वॉक लिया। यहाँ में बहुत अच्छा रूट है और ट्राई करूँगा सुबह में वो रूट आप लोगों को दिखाने का, स्कूटी में हो चाहे वो वॉक में हो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, तो गुड नाइट एंड बने रहिएगा, बाय बाय।